क्या आपने कभी सोचा है कि सब वेजिटेरियन हो जाएंगे तो क्या होगा, हमारे प्लेनेट पे और लाइफ पे इसका क्या इफेक्ट होगा? लेकिन ओवरऑल वर्ल्ड में देखा जाए तो ऐसा कोई नहीं है जो प्योर वेजिटेरियन है। वर्ल्ड में वेजिटेरियंस का रेट बहुत ही कम है, जैसे कि यूएस में 4-5% और इंडिया में फिर भी लगभग 30%। जो फूड चेन होता है वो एनवायरनमेंट में सब इक्वली बैलेंस रहे ऐसा बनाया गया है। मतलब ना कि जानवर ज्यादा होने चाहिए और ना ही पेड़ पौधे कम होने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से अर्थ की बायोडाइवर्सिटी का बैलेंस बिगड़ सकता है। अगर ये सब लोग भी सिर्फ वेजिटेरियन खाने वाले हो जाएंगे तो उसका क्या इफेक्ट होगा हमारे प्लेनेट पे और हमारी लाइफ पे, वो हम आज इस वीडियो में आपको बताएंगे। पर अब शुरू करने से पहले हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारी चैनल AskiGuru को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो अब देखते हैं कुछ पॉइंट्स सब वेजिटेरियन होने से क्या इफेक्ट होगा। अगर कोई भी इंसान मीट खाने वाले नहीं होंगे तो मार्केट में डोमेस्टिक एनिमल्स दिखाई नहीं देंगे और इस वजह से बहुत सारा लैंड खाली पड़ा रहेगा, क्योंकि 33 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर लैंड पेस्चर यानी कि एनिमल्स को घास खिलाने के लिए यूज किया जाता है और जो पेस्चर लैंड है वो पूरी दुनिया में ड्राई है, जिस वजह से वहाँ पे कोई क्रॉप्स भी नहीं ग्रो कर सकते। और वेजिटेरियंस का नंबर इंक्रीज हुआ तो क्रॉप्स की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, लेकिन सिर्फ इंसानों को नहीं तो जो जानवर सिर्फ पत्ते घास खाते हैं उन्हें भी क्रॉप्स की जरूरत पड़ेगी। पेड़ कम होने की वजह से एनवायरनमेंट में पोल्यूशन ज्यादा बढ़ेगा, जिससे हमारे प्लेनेट को भी नुकसान होगा। पेड़ ना होने की वजह से इंसान हो या जानवर, सबको फ्रेश ऑक्सीजन के बदले कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा मिलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड, व्हीकल्स का स्मोक, इन सब से भी ज्यादा एनिमल्स के मीथेन गैस से एनवायरनमेंट में ज्यादा पोल्यूशन बढ़ेगा। बहुत से साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि मीट खाना कम करने से पानी का यूज कम होगा, क्योंकि नॉन वेज खाने में ज्यादा पानी यूज होता है कंपैरेटिवली वेज खाने से। 15,000 लीटर पानी 1 किलो बीफ के लिए यूज होता है, 4,000 लीटर पानी चिकन के लिए, और इसका कंपैरिजन क्रॉप्स के साथ करें तो बहुत कम पानी यूज होता है। जैसे 1600 लीटर सीरियल क्रॉप्स, 900 लीटर फ्रूट्स और 300 लीटर वेजिटेबल्स के लिए। सिर्फ वेजिटेरियन होने से पानी यूज करने का लेवल कम होगा और पानी का वेस्टेज भी नहीं होगा। सिर्फ वेजिटेरियन लोग ही होंगे तो जो लोग मीट सेल करके पैसे कमाते हैं उनके पास भी कुछ नहीं रहेगा खाने के लिए, और सब वेजिटेरियन होंगे तो क्रॉप ज्यादा यूज होंगे और जानवर पेड़ के पत्ते खाएंगे तो पेड़ भी नहीं रहेंगे। इस वजह से ना तो धरती पे पानी रहेगा और ना ही फ्यूचर में कुछ खाने के लिए बचेगा। तो इसीलिए अगर सब वेजिटेरियन होंगे तो ये सब प्रॉब्लम्स हो सकती है, साथ में हमारी धरती को भी नुकसान होगा इस कारण से। तो अगर इससे जुड़ी आपके पास और भी कुछ जानकारी है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।